चांद गांधी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी मैम, नमस्कार हकीम साहब जी। जय हिंद गांधी जी। जय, हाँ जी, मैंने ना पूछना था, एक तो पूछना था कि ये जो सोडा आप बोलते हो, जैतून नमक में डालने का, ये मीठा सोडा जो वही है जो लिखा होता है बेकिंग सोडा जो मिलता है, जी, वही है। वही है। अच्छा, दूसरा ना मुझे छाती का पेन रहती है लेफ्ट लेग में, तो उसके लिए मैं क्या करूं? कि गांधी, महाराष्ट्र में गांधी कहते हैं दवा फरोशों को, दवा बेचने वालों को। और एक दवा आती है, एक दवा कच्ची दवा है, असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत ज़्यादा मिलती है, और उसका नाम है गोंद सिया। गोंद कहते हैं गम को और सिया कहते हैं काले को। काला गोंद या गौन सिया असली खरीद लीजिए, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें, आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें। आपको चाय टीका पेन में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतलाते तो हैं, कुछ बच्चों का जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है तो वो जो तुतलापन होता है वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का काफ़ी वक्त तक रहता है। 7th और 8th स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं वो तक तुतला के बात करते हैं, माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि जबान कैसे बच्चे की साफ हो पाएगी, तो क्या इसके लिए भी नुस्खे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते, ज़रूर हो सकते जी हैं। दरअसल जो भी हम लैंग्वेज, आपने देखा होगा, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसकी हमारी जबान ने प्रैक्टिस की है। जी जी बिल्कुल। जो लोग हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश आसानी से नहीं बोल पाते, कुछ उल्टा सीधा बोलने जी लगते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो उर्दू, जो उर्दू वाले हैं वो अरबी या कोई भी दूसरी जबान, जैपनीज वगैरह, जब आप बोलेंगी तो आप बच्चों की तरह बोलेंगी, जी अजीब अजीब सा बिल्कुल। बोलेंगी। लेकिन जब आप वो जबान बोलने लगती हैं तो फिर वो अल्फाज आपके गुलाम बन जाते हैं, बिल्कुल। तो फिर आपकी जबान बिल्कुल साफ हो जाती है। तो बच्चों का भी यही है कि अभी उन्होंने दुनिया देखी है, अल्फाज उनकी जबान पर नहीं चढ़ते, जुबान एक्सरसाइज नहीं की हुई होती, और जब थोड़ा वक्त गुजर जाता है और बार बार वो अल्फाज सुनते हैं और बोलते हैं तो उनकी ज़बान साफ़ होने की 99% उम्मीद रहती है, बच्चों की ज़बान वक्त के हिसाब से साफ़ होने की। और अगर किसी की ज़बान साफ़ नहीं होती तो मैंने वो नुस्खा बताया हुआ है कि बादाम का तेल थोड़ा थोड़ा बच्चों को दूध में मिलाकर दिया करें, इससे दिमाग और ज़बान को तकवीत मिलती है और बच्चे ठीक से बोलना शुरू कर देते हैं।